Hello, dear students. Today we are going to continue the process of transcription. Transcription के लिए मैंने कल introduction आपको बताई थी previous video में. तो अब ये process of transcription जो है ये दो तीन steps में हमने divide किया है in order to get the knowledge of the process of transcription. कैसे ये transcription होता है. तो पहला step इसमें आता है, फर्स्ट इज प्रमोटर्स एंड टेम्पलेट बाइंडिंग. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट जो है वो है इनिशिएशन. तीसरा पॉइंट है इलांगेशन और चौथा पॉइंट है टर्मिनेशन. ये चार पॉइंट्स जो है ये हम एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं चार पॉइंट्स की वजह से ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होती है. और हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला जो है वो है दिस प्रमोटर्स एंड टेम्पलेट बाइंडिंग. है क्या, व्हाट इज प्रमोटर्स एंड टेम्पलेट बाइंडिंग. ये मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड जो है, ये डीएनए स्ट्रैंड यहां पे लाइक दिस, ये डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड है. एक है 5-3-5-. दिस इज द पोलैरिटी ऑफ डीएनए. और इसको मैं आपको समझने के लिए ऐसे दो लाइनें बनाऊंगा लाइक दिस, 5-3-3-5-. ये मान लो ये डीएनए जो है ये इतना, इसको हमने ट्रांसक्रिप्शन करना है. इस डीएनए से हमने आरएनए बनाना है. ये डीएनए है. इस डीएनए में फॉर एग्जाम्पल इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस है. न्यूक्लियोटाइड बेस मींस एडिनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, क्योंकि ये डीएनए है फिलहाल. गानिन विद साइटोसिन, और यू कैन से लाइक दिस, साइटोसिन एडिनिन थायमिन, गानिन साइटोसिन, साइटोसिन गानिन थायमिन एडिनिन. ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं. दीज आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड बेसिस. न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है आपको पता है इन बेसिस में जो है ये कंप्लीमेंट्री जो है बेस पेयरिंग करते हैं. लाइक ए ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन विद डबल बॉन्ड एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद ए ट्रिपल बॉन्ड. तो ये आपको पता है. अब इस डीएनए में जब हम आरएनए बनाएंगे तो पहला सेटअप होता है प्रमोटर्स एंड टेम्पलेट बाइंडिंग. उसका मतलब है क्या, ये मान लो यहां पे जो है ये एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेस, ये वाला आरएनए पॉलीमरेस. इस आरएनए पॉलीमरेस में एक सब यूनिट होता है, सब यूनिट जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर और सिग्मा सब यूनिट. इसको हम बोलते हैं सिग्मा सब यूनिट. ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा सब यूनिट है जिसको आप सिग्मा सब यूनिट बोलेंगे लाइक दिस. ये सिग्मा सब यूनिट क्या है, ये इस डीएनए फ्रैगमेंट को रीड करता है. ये इस डीएनए फ्रैगमेंट को, पूरे फ्रैगमेंट को रीड करता है और यहां पे ये ढूंढता है एक स्पेशल सीक्वेंस. ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ढूंढता है स्पेशल और स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक खास किस्म की सीक्वेंस. जो ही इस डीएनए फ्रैगमेंट को रीड करता है ये यहां पे देखता है ए जी ए सी, ये यहां पे देखता है ये सीक्वेंस.
अब किसी जगह इसको एक ऐसी खास किस्म की सीक्वेंस मिल जाती है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर, प्रमोटर क्या होता है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑन विच द पॉलीमरेज, दे आर एन ए पॉलीमरेज, ये अपना काम जो है ये रिकॉग्नाइज करता है इसको, ये इसको पहचान लेता है कि कहां से मुझे आरएनए बनाना है। तो ये प्रमोटर सीक्वेंस जो है, या प्रमोटर सीक्वेंस आप बोलेंगे, प्रमोटर सीक्वेंस या स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब ये प्रमोटर सीक्वेंस या स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है, जब डीएनए में इसको मिल जाती है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को, या वो स्पेसिफिक सीक्वेंस एक्चुअली होती है पॉली, उसमें ज्यादा नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, ऐसे सीक्वेंसेस। और इन सीक्वेंसेस को हम टाटा बॉक्स बोलते हैं, या प्रिबनो बॉक्स, टाटा बॉक्स या प्रिबनो बॉक्स। व्हाट इज टाटा बॉक्स आर प्रिबनो बॉक्स? एक्चुअली दीज आर प्रमोटर सीक्वेंसेस, टाटा बॉक्स। इसको हम टाटा बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंसेस थाइमिन एडेनिन करके होती हैं एक डीएनए में। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दिस, ये मान लो डीएनए, और यहाँ पे इसमें क्या होता है, टी ए, ऐसे ही ए। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स और या प्रिबनो बॉक्स, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ये आरएनए पॉलीमरेज को, या सिग्मा सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करने में मदद देता है, ये हेल्प करता है इन रिकॉग्निशन। और ये कहाँ होती है? एक्चुअली ये जहां से एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल यहां से एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, उससे पहले ये अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ही होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द फाइव डैश एंड लाइक दिस। क्योंकि जो दूसरा स्ट्रैंड है, कल मैंने आपको बता दिया है, एक स्ट्रैंड में तो एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को फिलहाल हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि वहां से जो आरएनए बनेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम रिकॉग्नाइज, ये जो है आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्निशन के लिए जो भी हमें सीक्वेंसेस होती हैं वो हम उसी पे दिखा रहे हैं, किस पे, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो दैट इसका मतलब है अपस्ट्रीम। अगर मैं डाउनस्ट्रीम लिखूंगा तो वो टुवर्ड्स द थ्री डैश एंड होगा, तो दैट इज नोन एज डाउनवर्ड स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रीम। तो ये जो पहला ये है प्रमोटर, तो इसने देख लिया, दैट मीन टाटा बॉक्स उसने देख लिया इस आरएनए पॉलीमरेज ने। जब आरएनए पॉलीमरेज ने टाटा बॉक्स देख लिया है, उसके बाद आता है टेम्पलेट बाइंडिंग। टेम्पलेट बाइंडिंग का मतलब क्या है, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल ये मान लो डीएनए है लाइक दिस, यहां पे टाटा बॉक्स है, टी ए टाटा बॉक्स। फॉर एग्जांपल यहां से एक्चुअल जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, टाटा बॉक्स 10 न्यूक्लियोटाइड पहले होता है एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से। अब ये आरएनए, ये मान लो ये आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज, ये इस डीएनए में ढूंढता है कि टाटा बॉक्स कहाँ है। जब वो ढूंढता है और यहां पहुंच जाता है इस पे, तो यहां
ये क्या करता है फिर ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर, ये टेम्पलेट एंड, क्योंकि ये 3' ये 5'3' है और ये 3'5' है। अब ये दूसरे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज ये बाइंड होता है उसके साथ, ताकि ये इसको अनवाइंड कर सके और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सके। और वो जब ये पहला पॉइंट है प्रमोटर, दैट मीन्स पहले इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको आप टाटा बॉक्स या प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं, जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स अपवर्ड अपस्ट्रीम होते हैं। उसके बाद होता है टेम्पलेट बाइंडिंग, दैट मीन्स आप ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये टेम्पलेट के साथ उसी स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है जिससे इसको आरएनए बनाना है। तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू। We will continue this in the next video.